सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में हमारी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति कामयाब रही। हमने चुनाव प्रचार में जनता के मुद्दों को उठाया, जिसके चलते भाजपा की नकारात्मक राजनीति भी खत्म हो गई। यूपी सरकार के मंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। दरअसल एनडीए सरकार बनने को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया था कि एनडीए सरकार केंद्र में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और मध्यावधि चुनाव होंगे। इस बयान पर पलटवार कर ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष का काम ही बोलना है। ये लोग पहले ही कह रहे थे कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, मगर अब जब सरकार बन गई है तो कह रहे हैं कि 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से कल 9 जून को प्रस्तावित यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आगरा में 15 केंद्रों पर आयोजित होगी। इस बीएड परीक्षा में 7,457 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस वर्ष आगरा और मथुरा जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रामपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी के चयन के लिए खींचतान मची हुई है। अब सपा प्रत्याशी मौलाना मोइबुल्ला नदवी की जीत पर सपाई खेमे में जुबानी जंग छिड़ गई है। सपा नेता आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा रुचि वीरा के बाद अब प्रदेश सचिव फिरासत हुसैन गामा ने भी मोहिबुल्लाह के खिलाफ टिप्पणी कर दी है, जिससे पार्टी के अंदर सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भूमि अभिलेखों को डिजिटल रूप से सुलभ कराने का कार्य राजस्व विभाग तेजी से कर रहा है। इन प्रयासों के चलते प्रदेश के 10 जनपद ऐसे हैं जहां रियल टाइम खतौनी का कार्य लगभग 100% पूरा कर लिया गया है। उम्मीद है कि राजस्व विभाग दिसंबर 2024 तक सभी जनपदों में 100% खतौनी को डिजिटली सुलभ कराने में सक्षम होगा। लोकसभा चुनाव के यूपी में निराशाजनक चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को जनता के बीच जाने, उनकी समस्याएं सुनने से लेकर उन्हें सुलझाने तक के दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव 2024 के जारी परिणाम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों के बेहद ही विपरीत आए हैं। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संजीवनी मिली और समाजवादी पार्टी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बाद पहली बार इतनी बड़ी जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा ने इस बार कांग्रेस से अलायंस किया। बीजेपी एनडीए गठबंधन के तहत बहुमत तो ले आई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यूपी में बहुत नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की राशन और आवास जैसी कल्याणकारी योजनाओं में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को लाभार्थी बनाने के बावजूद लखनऊ में मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में एक तरफा वोटिंग की। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 9 जून की देर शाम मोदी अपने मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। वहीं पीएम पद की शपथ लेने के बाद मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी का जोरदार स्वागत करेंगे, जिसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि 11 सीटों पर दूसरे स्थान पर है। कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली में अपना दबदबा बनाए रखा है, तो वहीं अमेठी में 5 साल के बाद अपना हिसाब बराबर किया, तो वहीं प्रयागराज सहारनपुर में 40 साल बाद परचम लहराने में कामयाब रही। जिन सीटों पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही, वहां 2019 की अपेक्षा इस बार कांग्रेस का 40% वोट बैंक बढ़ा है।